भारतीय जनता पार्टी के फैसले से चिराग पासवान के अंदर नाराजगी है। ये नाराजगी ऐसी मानो एनडीए में टूट का कारण भी बन सकती है। मतलब चिराग पासवान अकेले भाजपा को छोड़कर गठबंधन से अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड चुनाव को लेकर ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियों को इंतजार था कि भाई ऐलान हो, चुनाव आयोग ऐलान करे, उसके बाद एक एक करके अपने पत्ते खोलेंगे। रणनीति बनाई जा रही थी, अब एक एक करके चीजें सार्वजनिक की जा रही है, चाहे वो सीटों का समीकरण हो, एजेंडा हो, तमाम पहलू पर बातचीत अब खुलकर होने लगी है। बात अगर एनडीए की कर ली जाए तो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आजसू सुदेश महतो की पार्टी से है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी एनडीए के अंदर 3 सीटें दी गई है, इस पर मुहर भी लगी है। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो बताया था कि भाई 2 सीट जेडीयू को दी जा रही थी, लेकिन जेडीयू के जो नेता है वो इस पर मान नहीं रहे थे और मामला ललन सिंह के हाथ में था। क्योंकि बेशक अशोक चौधरी और बाकी नेता दिख रहे हो झारखंड में, लेकिन जो बातचीत भाजपा जेडीयू के बीच में हो रही थी, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो बातचीत कर रहे थे झारखंड को लेकर। हर एक फैसला ललन सिंह को लेना था, पर्दे के पीछे सब कुछ कर रहे थे। 3 सीटों पर सहमति बन गई है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भाई आजसू को 9 से 11 सीटें मिलेगी, 10 से 11 सीट पर मामला सेटलमेंट हो गया है, जेडीयू को 3 सीट। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को उन्होंने कहा कि भाई चिराग जी अभी विदेश में है, वो जैसे ही भारत लौटेंगे उनके साथ 1 राउंड की मीटिंग होगी और उनको सीटें दी जाएंगी, वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहा गया कि 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब 2 सीट या 3 सीट जेडीयू को मिलेगा तो वोट परसेंटेज के हिसाब से 1 सीट चिराग पासवान पार्टी को बहुत ही, भाजपा इसी सोच के साथ चल रही थी। लेकिन चिराग किसी भी हाल में 1 सीट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, इसके पीछे का कारण भी है। और आमतौर पर अगर चिराग पासवान गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं झारखंड में, तो 2 फायदे हैं। आमतौर पर कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, अगर कोई बिहार की पार्टी है झारखंड में चुनाव लड़ती है, उड़ीसा में चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, या फिर बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, मानो किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है, उनका मकसद क्या होता है? मकसद चुनाव जीतना नहीं होता है। मकसद होता है कि तो पार्टी का विस्तार करना, संगठन का विस्तार करना, दूसरे राज्य में संगठन खड़ा करना। दूसरा मकसद होता है कि भाई चुनाव आयोग के रजिस्टर में, चुनाव आयोग की नजर में हमारी पार्टी का वोट परसेंट बढ़े। ये 2 फायदे होते हैं। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता है, अमूमन मैक्सिमम पार्टी का ही हाल है। और बिहार की पार्टियों में से जो भी पार्टी झारखंड गए चुनाव लड़ने के लिए, उनका भी मकसद यही है। चिराग चाहते हैं कि अगर 1 सीट एनडीए मिलती है, उससे अच्छा है कि हम उस 1 सीट पर चुनाव न लड़े, बल्कि हम गठबंधन से बाहर होकर उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़े जहां हमारी पार्टी का संगठन है, जहां हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है और इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए। फायदे 2 होंगे, एक तो संगठन का विस्तार होगा, दूसरा फायदा है कि वोट परसेंट में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार भी झारखंड के होंगे, उस विधानसभा के होंगे, तो 10-20 हजार वोट लाएगा, 5 हजार वोट लाएगा, तो कम से कम वोट परसेंट में बढ़ोतरी तो जरूर होगी। हर एक पार्टी की कोशिश होती है, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टी की कोशिश ये होती है कि भाई दूसरे राज्य में चुनाव लड़ा जाए जिससे वोट परसेंट में बढ़ोतरी हो। और एनडीए के अंदर चिराग पासवान को 1 ही सीट भाजपा दे रही है, और चिराग नाराज है कि नहीं 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कम से कम हमें भी 2-3 सीट दिया जाए, सम्मानजनक सीटें दी जाए। नीतीश कुमार की पार्टी 3 सीट पर मान गई, 3 सीट पर बातचीत हो गई, लेकिन चिराग 1 सीट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। चिराग चाहते हैं कि भाई कम से कम हमको 3 सीटें दी जाए, जो कि भाजपा उस पर तैयार नहीं है। एनडीए के अंदर चीजें स्पष्ट है, और संभवतः चिराग पासवान अगर गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उन्हें रोकेगी भी नहीं, क्योंकि मामला उनकी पार्टी का है, मामला उनका इंटरनल है। वो भी चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम पार्टी का विस्तार तो होगा, संगठन का विस्तार तो होगा, वोट परसेंट तो बढ़ेंगे। 1 सीट पर लड़कर हम क्या कर लेंगे? हो सकता है कि जिस सीट पर लड़े चुनाव हार जाए, फिर कोई मतलब है नहीं। तो जो बड़ी बात है कि चिराग पासवान नाराज है, और ये नाराजगी टूट भी पैदा कर सकती है, एनडीए में टूट का कारण बन सकती है। चिराग के तमाम जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल के हो या फिर राष्ट्रीय लेवल के हो, खासतौर पर झारखंड की बात के लिए, प्रदेश लेवल की बात के लिए जाए तो प्रदेश झारखंड के जो लोग हैं, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, ताकि कम से कम 20 से 25 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। 20 से 25 कैंडिडेट उनके पास है झारखंड में, और इसीलिए चाहती है कि 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े। 2 फायदे होंगे, एक वोट परसेंट में बढ़ोतरी होगी, और दूसरा फायदा होगा कि संगठन का विस्तार होगा, संगठन मजबूत होगी,
और हो सकता है कि 25 सीट पर लड़ने में एक दो सीट पर वो चुनाव जीतने में सफल हो जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान भाजपा के पास मीटिंग होती है, बहरहाल देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच मीटिंग होती है तो क्या सहमति बन पाती है या फिर चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकलकर चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।